गाइस, क्या आपकी स्किन पे भी बहुत ज्यादा क्लॉक पोर्स हैं, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, या आपके बहुत ही ज्यादा पोर्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो चुकी है? अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, अपने फेस पर ग्लोइंग इफेक्ट चाहते हैं, तो आज का मेरा ये वीडियो जरूर फॉलो करिएगा। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, पिंपल्स के लिए अलग, ब्लैक हेड्स के लिए अलग, व्हाइट हेड्स के लिए अलग। तो क्यों ना आज आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में मिल जाए। आज आपको मैं एक ट्रीटमेंट बताऊंगी, उसमें आपको ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ये आपकी स्किन को डिटॉक्स भी करेगा, ग्लोइंग इफेक्ट भी देगा, और ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स और उनके मार्क्स को भी जड़ से खत्म करेगा। आपके पोर्स को डीपली क्लीन करके आपके फेस पर ग्लोइंग इफेक्ट देगा। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले क्या हमें फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जानने वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, उनके पोर्स इतने बड़े होते हैं कि फेस बहुत भद्दा लगता है, ग्लोइंग नहीं है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, और बम्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, सीबम्स बनने लगते हैं, जैसे हमारे पोर्स में गंदगी जमा होती है, अजीब तरह से फूटते हैं दाने के रूप में। तो ये प्रॉब्लम सबको है। तो चलिए जानते हैं क्या है हमारा पहला स्टेप। कम से कम 20 से 25 नीम की पत्तियां आपने ले लेनी है। नीम की पत्तियों को आपने पानी में अच्छे से उबालना है। एक बर्तन भर कर पानी ले लीजिए, उसमें नीम की पत्तियां डाल दीजिए, उसको कम से कम आधे एक घंटे तक उबलने दीजिए, लो फ्लेम पे करने दीजिए। कर करके जब पानी आधा रह जाए तो आपने गैस बंद कर देना है। ऐसा ही अगर आपके पास नीम की पत्तियां नहीं है तो आप नीम पाउडर ले सकते हैं मार्केट से। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टीम लेनी है। स्टीम आप जानते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें पानी की स्टीम नहीं लेनी। स्टीम हमें जो आपको तरीका मैंने बताया है, यही स्टीम लेनी है। स्टीम लेने से, यानी जो नीम के पानी की हम स्टीम ले रहे हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, ये आपके पोर्स को डीपली क्लीन करेगा। आपके पोर्स में जब गंदगी जमा होती है तो वो सीबम बन के फूटने लगती है, बहुत ही अजीब से दाने निकलने लगते हैं, लाल पड़ने लगते हैं, और उसके बाद उनके धब्बे रह जाते हैं। तो ये उनको ट्रीट करेगा, आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स को खत्म करेगा, आपकी स्किन को अंदर से बिल्कुल नरिश करके क्लीन करेगा, साफ करेगा। और नीम में होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जो आपके सारी स्किन की इम्प्योरिटीज को निकालेगा, आपके पिंपल्स, एक्ने को रिड्यूस करेगा, और साथ में आपकी स्किन को क्लियर करेगा। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें, हमें नीम की स्टीम लेनी है। अब आपको मैंने दो ऑप्शन बताए, अगर आपके पास नीम की पत्तियां हैं तो उसकी स्टीम लीजिए, अगर वो ना हो तो आप पाउडर ऐड करके उसकी स्टीम ले सकते हैं। अब बारी आती है स्टेप टू की, जो करना है हमें पैक इस्तेमाल अपने फेस पर। अब जो पोर्स हमारे ओपन हो गए हमें स्टीम लेने से ही, और जो हमारी गंदगी पोर्स के ऊपर आ चुके, तो हमें उसको बाहर भी तो निकालना जरूरी है ना। बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट होता है चारकोल पाउडर। ये आपकी स्किन से सारी गंदगी को सक कर लेता है, खींच लेता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्किन को साफ कर देता है। चारकोल पाउडर आप मार्केट में मिलने वाला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। तो सबसे पहले आपको एक खाली बाउल लेना है, उसमें डालना है आपको 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच बेसन, आपको डालना है 1 चम्मच चारकोल पाउडर, और साथ में आपको 1 स्पून ऐड करना है हनी। इनको अच्छे से मिक्स करके आपको उसका पैक अपने फेस पे लगा लेना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको अच्छे से रब करके उतार लीजिए, या अगर पील ऑफ मास्क है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको पील कर सकते हैं। आपकी स्किन का टेक्सचर इतना ग्लोइंग हो जाएगा, इतना इफेक्टिव लगेगा, आपकी स्किन एकदम साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे, पिंपल एक्ने रिड्यूस हो जाएंगे, आपकी स्किन एक अलग ही निखार देगी आपकी। आप खुद ने, आपने आज तक नोटिस नहीं करा होगा कि आपकी स्किन इतनी साफ हो सकती है। अब बारी आती है स्टेप 3 की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पोर्स ओपन है, यानी जिनको लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, उनको हमें क्लोज भी करना है, ठीक है। उनको हमें क्लोज करने के लिए क्या करना है, जो आपने नीम की पत्तियों का पानी उबाला था, ठीक है, उस पानी को आपने फेंकना नहीं है। उस पानी में से आपने एक बर्तन में 5 चम्मच नीम के पानी के ऐड करने हैं, और उसमें ऐड करना है 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो प्लीज इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, आप मार्केट जाकर ले आइए, क्योंकि वो पिंपल एक्ने को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, व्हाइट हेड को ट्रीट करता है, आपकी स्किन को क्रिस्टल क्लियर बनाता है। तो 3 चम्मच आप इसमें वो ऐड करके आप एक आइस ट्रे लेकर उसमें आप ये पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद आपने रोजाना इसकी एक आइस क्यूब लेनी है, रात को सोने से पहले अपने फेस पर रब करना है, उसके बाद अपना डेली मॉइस्चराइजर लगाकर सो जाना है। जैसे जैसे आप इस आइस क्यूब को रब करते जाएंगे, आपकी स्किन में इतना अच्छा ग्लो दिखेगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो प्लीज अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम कुछ और बेहतर लाने के लिए। ऐसी हमेशा कुछ बेहतर लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Take care, stay healthy, love you all.